A very good morning to everybody. Welcome to JK Exam Cracker. My name is Tanya Abrol and welcome to my lecture series. आज का हमारा computers का lecture है based on computer hardware. हम लोग basics पढ़ चुके हैं, basic concepts पढ़ चुके हैं, हम लोग history, generations ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं. आज हम computer hardware पे move करेंगे जहाँ से हम लोग input, output, memory devices ये सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ना शुरू करेंगे. Computer hardware का जो पूरा concept है, it will take up to 2 to 3 lectures, 2 से 3 lectures लगेंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ने में, सो दैट कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर से हमारा ना हो. जितना हमने पढ़ा है उसमें से सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएं. ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे विद द टॉपिक कंप्यूटर हार्डवेयर. जब हमने इंट्रोडक्शन वीडियो किया था कंप्यूटर का, उस वक्त भी हम लोगों ने कंप्यूटर हार्डवेयर समझा था. एंड आई एम श्योर कि आप सभी को पता ही है कि कंप्यूटर हार्डवेयर एक्चुअल में होता क्या है. कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है? एक फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर मशीन. जब आप एक कंप्यूटर मशीन देखते हैं, फॉर एग्जांपल आप ये बोर्ड देख रहे हैं, ठीक है, ये भी क्या है? एक हार्डवेयर. आप ये स्टाइलस, ये पेन देख रहे हैं, ये भी क्या है? एक हार्डवेयर. वो सारी चीज़ें जो कंप्यूटर ही हैं बट उसका फिजिकल स्ट्रक्चर हमें डिफाइन करती हैं, जो हमें फिजिकल, जिसे हम टच कर सकते हैं. कई बार ऐसा डेफिनेशन भी पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, विच पार्ट इज नोन एज द टैंजिबल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर. तो टैंजिबल पार्ट कौन सा है कंप्यूटर हार्डवेयर, या ऐसा पूछा जाता है विच पार्ट इज द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर, तो वो भी क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर ही है. इज इट क्लियर टू एवरीबडी? तो कंप्यूटर हार्डवेयर, जिसे हम शॉर्ट में कई बार HW भी लिखते हैं, वो फिजिकल कंपोनेंट है जो ऐसे डिवाइसेस कंटेन करता है. डिवाइसेस का बेसिकली आउटर स्ट्रक्चर, ठीक है, तो वो सब क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर है. इट कंप्राइजेज ऑफ सर्किट बोर्ड, ICs और अदर इलेक्ट्रॉनिक्स. जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स एक कंप्यूटर को मिलके बनाते हैं, इट कैन बी वायर्स, इट कैन बी दिस स्ट्रक्चर, इसके अंदर का बोर्ड, ये सब कुछ क्या है? ये हार्डवेयर ही है. जो आप आम भाषा में हार्डवेयर समझते हैं ना, वही हार्डवेयर की हम लोग बात कर रहे हैं. क्लियर हो गया? अब हार्डवेयर डिवाइसेस जो हैं वो एक्सटर्नल हार्डवेयर भी हो सकता है, मतलब एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और इंटरनल भी हो सकते हैं. एक्सटर्नल इंटरनल से कहने का मेरा मतलब है कुछ हार्डवेयर जो एक्सटर्नल है, जो बाहरी आपको दिखते हैं. फॉर एग्जांपल आपको बाहर स्क्रीन दिखता है, मॉनिटर दिखता है, आप लोगों को कीबोर्ड दिखता है, आप लोगों को माउस दिखता है, और कुछ होते हैं इंटरनल. अब आपका मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, इसके अंदर भी तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स है ना जो इसकी वर्किंग को मेंटेन कर रहे हैं. सर्किट बोर्ड्स हैं, ICs हैं, तो ये सब क्या हो गए? इंटरनल हार्डवेयर हो गए. ठीक है, तो हम लोगों को क्या पढ़ना है? कौन कौन से हार्डवेयर होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें मिलकर कंप्यूटर हार्डवेयर जो है वो बनाती है, वही हमको पढ़ना है. हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशन पे भी पढ़ा था, एक कंप्यूटर सिस्टम एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का क्या होता है? कम्बिनेशन होता है. तो पहले हार्डवेयर पढ़ेंगे, फिर सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे. ठीक है, सो आगे बढ़ेंगे हम लोग. आगे एक चार्ट आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है. दिस इज everything about the computer hardware. जो एक computer hardware होता है उसमें क्या आते हैं? input devices. अगर आपको clearly नहीं दिख रहा है तो ये क्या है? input devices. ठीक है, फिर उसमें आते हैं output devices. आउटपुट डिवाइसेस किसके लिए होते हैं? डेटा आउटपुट के लिए. आप इनपुट किसके थ्रू देते हैं कंप्यूटर को? जब भी आप कमांड देते हैं आप किसके थ्रू देते हैं? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू देते हैं. जब आपको आउटपुट मिलता है तो वो किसके थ्रू मिलता है? आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू मिलता है. अब कंप्यूटर को जब अपनी वर्किंग करनी है, प्रोसेसिंग करनी है, तो उसके लिए भी वो किसी हार्डवेयर का यूज़ करेगा. तो उसी लिए कंप्यूटर हार्डवेयर में प्रोसेसिंग डिवाइसेस भी आते हैं. ठीक है, अब जो भी उसने आउटपुट दिया है, जो भी कंप्यूटर के पास डेटा है, वो कहीं ना कहीं स्टोर करेगा. तो एक फिजिकल स्टोरेज भी होती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में. समझ में आ गया आप लोगों को? तो यहीं से हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, सिर्फ हार्डवेयर के टॉपिक्स में से भी. आपका इनपुट डिवाइसेस का टॉपिक कवर हो जाएगा, आउटपुट डिवाइसेस का टॉपिक कवर हो जाएगा, कंप्यूटर के प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स का टॉपिक कवर हो जाएगा, एंड कंप्यूटर मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहीं से कवर हो जाएगा. हम सब चीज़ें यहाँ से कवर कर लेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर से ही. मतलब एक ही टॉपिक में हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स कवर कर लेंगे, देन विल मूव टू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस. अब जब मैं इनपुट डिवाइसेस की बात करती हूँ स्टूडेंट्स, वो फर्दर कैटेगराइज होते हैं 3 मेजर कैटेगरीज में, और उसके अंडर हमारे इनपुट डिवाइसेस आते हैं. सबसे पहले तो पहली कैटेगरी हो गई डेटा इनपुट डिवाइस. सेकेंड कैटेगरी इनपुट डिवाइसेस की आती है पॉइंटिंग डिवाइसेस की.
एंड थर्ड आती है स्कैनिंग डिवाइसेस की, या फिर स्कैनर हम लोग कह सकते हैं, कैटेगरी। ये तीन कैटेगरीज आती हैं हमारे पास इनपुट डिवाइसेस की। हमने इसे तीन कैटेगरीज में क्यों किया, क्योंकि बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं जो इन तीन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे या इन तीन कैटेगरीज में लाए करते हैं। अब ये तीन कैटेगरीज एक्चुअल में है क्या, पहले तो ये समझते हैं। जैसे मैंने पहले लिखा डेटा इनपुट डिवाइसेस, तो वो हार्डवेयर जो आपको हेल्प करते हैं कंप्यूटर को कमांड देने में, जब आपको कंप्यूटर में डेटा एंट्री करना है उसके लिए। तो आप लोग डेटा एंट्री करते हो तो किसकी मदद से करते हो आप कंप्यूटर में? फॉर एग्जांपल आपको गूगल पे कुछ सर्च करना है तो आप लोग कैसे करेंगे? ऑब्वियसली कीपैड से टाइप करेंगे, कीबोर्ड से टाइप करेंगे। तो इसमें क्या आ जाता है हमारे पास, कीबोर्ड। ठीक है, जो हम टाइप करके डेटा एंटर करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। उसके बाद आ जाते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइसेस होते हैं लोकेट करने के लिए, जो भी कंपोनेंट्स, जो भी ऑब्जेक्ट्स आपकी स्क्रीन पर हैं उन्हें लोकेट करने के लिए जो डिवाइसेस होते हैं वो पॉइंटिंग डिवाइसेस होते हैं। जब आप स्क्रीन पे काम करके, फॉर एग्जांपल आई एम यूजिंग दिस पेन टू राइट ऑन द स्क्रीन टू लोकेट दिस पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट्स, तो ये भी क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस ही है। ठीक है, तो उसमें आ जाते हैं हमारे पॉइंटिंग डिवाइसेस। सबसे ईजी और मेन एग्जाम्पल इसकी माउस है। माउस आप लोग यूज़ करते हैं, अपना लैपटॉप यूज़ करते हैं, टच पैड यूज़ करते हैं, अपना फ़ोन यूज़ करते हैं, टच स्क्रीन यूज़ करते हैं, तो वो सब इस कैटेगरी में आते हैं। क्लियर। थर्ड आती है स्कैनिंग डिवाइसेस की कैटेगरी। अब स्कैनिंग डिवाइसेस में आता है स्कैनर, मतलब वो डिवाइसेस जो हम उसको इनपुट दे रहे हैं उसे स्कैन करता है। सिंपल एग्जांपल्स में बताऊं तो जैसे कि आप लोग नॉर्मली स्कैनर यूज़ करते हो, वो क्या करता है, अब स्कैनर क्या काम करता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का काम। समझ रहे हैं आप लोग? जैसे आप लोग प्रिंटर करते हैं, आपके पास कंप्यूटर पे सॉफ्ट कॉपी, आपने उसको हार्ड कॉपी, आपने उसको पेज की फॉर्म में बाहर निकाले। लेकिन अगर आपके पास पेपर है एंड यू वांट टू मेक अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ इट, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग उसकी स्कैनिंग करेंगे। जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग करते हैं, अपनी फोटोज अपलोड करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, तो आप उनकी स्कैन्ड कॉपीज अपलोड करते हैं। तो वही डिवाइसेस जो एज स्कैनर काम करते हैं, समझ के, डेटा इनपुट किस फॉर्म में करते हैं, सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में। आपने डेटा इनपुट किया हार्ड कॉपी की फॉर्म में, लेकिन वो इनपुट कंप्यूटर को कैसे मिला, एक सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस, जितने भी इसके डिवाइसेज हैं बहुत सारे क्वेश्चंस उनके बेसिस पे आते हैं। हम लोग बहुत आराम से सब कुछ पढ़ेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो ये हैं इनपुट डिवाइसेस। इसके साथ ही हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना इनपुट डिवाइसेस। अ लॉट ऑफ यू आर आस्किंग कि इसकी PDF दे दो, इसके नोट्स दे दो। भाई सब कुछ आपको स्क्रीन पे समझाया जा रहा है, नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे टाइम पर, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप लोग अपने हैंड रिटन नोट्स बनाना शुरू कर दो। हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं ना, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार कुछ नया सीखोगे, उतनी बार आपको उसमें ऐड करने को मिलेगा और उतनी बार आप लोग की रिविजन स्ट्रांग होगी। अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स हमेशा दिमाग में छप जाते हैं, कभी नहीं भूलेंगे और लाइफ लॉन्ग आपके काम आएंगे, आपके नहीं तो आपकी जब जॉब लगेगी आपका कोई क्लोज पर्सन होगा जो प्रिपेयर कर रहा होगा उसके काम आएंगे। सो मेक योर ओन नोट्स ऑलवेज। ठीक है, चलिए इनपुट डिवाइसेस में सबसे पहले हम लोग डेटा इनपुट डिवाइस पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट वन है, मेजर इनपुट डिवाइस, वो क्या है, कीबोर्ड है। क्लियर। अब कीबोर्ड आप सबने देखा है कीबोर्ड कैसा होता है, सबको पता है कीबोर्ड कैसा दिखता है, ये है कीबोर्ड की पिक्चर, राइट। अब कीबोर्ड की पिक्चर तो हमें एग्जाम में नहीं आएगी, ऑब्वियसली इसके बेसिस पे हमको क्वेश्चंस ही एग्जाम में आएंगे। तो डायरेक्टली हम लोग मूव करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में कीबोर्ड के बेसिस पे आते हैं। कीबोर्ड क्या है, एक बेसिक इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से बनता है एक, कि अगर आपको पूछा जाए टाइपराइटर टाइप, एक टाइपराइटर की तरह दिखने वाला कौन सा हार्डवेयर होता है, टाइपराइटर टाइप हार्डवेयर हम किसे बोलते हैं कंप्यूटर में, ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो वो क्या है, कीबोर्ड है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया। अब ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही है, एक हार्डवेयर ही है जो कॉम्बिनेशन है बहुत सारी कीज़ का। आपको पता है कीबोर्ड कैसा दिखता है, जिसमें डिफरेंट कीज़ होती हैं आपकी अल्फाबेट्स को टाइप करने के लिए, नंबर्स को टाइप करने के लिए, स्पेशल करेक्टर्स को, स्पेस के लिए, कैप्स लॉक करने के लिए लाइक कैपिटल में और स्मॉल में लिखने के लिए, ये सारी कीज़ आपको मिलती हैं। तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कीज़, जिसमें बहुत सारी कीज़ हमारे पास आ जाती हैं, नंबर्स के लिए, लेटर्स के लिए, डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी फॉर्म करते हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक और चीज कि कीबोर्ड वायर्ड होता है या वायरलेस हो सकता है। तो कीबोर्ड वायर्ड भी हो सकता है, जो एक यूएसबी की थ्रू कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है। यूएसबी का फुल फॉर्म मुझे आप बताओगे कमेंट में,
व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूएसपी, मुझे कमेंट में आप लोग अभी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो वायरलेस होते हैं, जो वायरलेस कीबोर्ड्स होते हैं, वो वाया ब्लूटूथ हमारे कंप्यूटर सिस्टम से या हमारे सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो यहाँ से बनता है, कीबोर्ड का इन्वेंटर कौन है? तो कीबोर्ड का इन्वेंटर का नाम है क्रिस्टोफर लैथम शोल्स। ये नाम आपको नहीं भूलना है, पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया? एक और क्वेश्चन यहाँ से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड में टोटल कीज़ कितनी होती हैं? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो एक जो स्टैंड कीबोर्ड होता है, आपने कीबोर्ड देखा ही है, उसमें टोटल कीज़ जो हमारी कंट्री में यूज़ किया जाता है, उसमें टोटल कीज़ कितनी होती हैं? 104, 104 टोटल कीज़। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कई बार हमें ट्विस्ट टर्न करके भी पूछ लिया जाता है कि एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी कीज़ होती हैं, तो वहाँ पर आप लिखोगे 101। अब ऐसा क्यों? देखिए, वैसे तो जो हमारा कीबोर्ड होता है उसमें 104 कीज़ ही होती हैं, लेकिन जब स्टैंडर्ड पूछा जाता है तो हम 101 बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि तीन कीज़ हमारे कीबोर्ड में ऐसी होती हैं जिनका अकेले का कोई काम नहीं है। मतलब आप उनको अकेले प्रेस करोगे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपको किसी ना किसी की के कॉम्बिनेशन के साथ उन्हें प्रेस करना पड़ता है। और आप लोगों ने सही गेस किया होगा, ऐसी कौन सी कीज़ हैं? कंट्रोल, शिफ्ट एंड ऑल्ट। ये ऐसी तीन कीज़ हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग कॉम्बिनेशन कीज़ के नाम से भी जानते हैं। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाए कॉम्बिनेशन कीज़ कौन कौन सी होती हैं, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट, क्यों बोला जाता है इनको कॉम्बिनेशन? क्योंकि ये अकेले प्रेस करो तो कुछ नहीं होता है, इनका कोई काम नहीं, ये हमेशा किसी ना किसी चीज़ के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ होके ही काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, कंट्रोल के साथ ए दबाते हो तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाता है, कंट्रोल के साथ एक्स दबाते हो तो कट हो जाता है, कंट्रोल के साथ सी दबाते हो तो कॉपी हो जाता है, वी दबाते हो तो प्रिंट हो जाता है। ये तो हो गए कीबोर्ड शॉर्टकट्स, और हम पढ़ेंगे कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ऐसी बात नहीं है। कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से पढ़ने हैं, एंड मैं आप लोगों को उसका एक पूरा कह सकते हैं फाइल मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। क्लियर? तो ये तीन कॉम्बिनेशन में यूज़ होती हैं, इसीलिए अगर हम इनको निग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि ये अकेले अकेले यूज़ होती हैं, कॉम्बिनेशन अकेले अकेले नहीं होती, कॉम्बिनेशन में होती हैं, इसीलिए हम स्टैंडर्ड वाइज अगर देखें तो 101 होती हैं, अदरवाइज टोटल 104 होती हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? उसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। टाइप्स ऑफ कीबोर्ड पे सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं अभी बता देती हूँ। बहुत सारे टाइप्स कीबोर्ड्स के कैटेगराइज किए गए हैं, बताए गए हैं, और वो किसके बेसिस पे? जो उसका अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड होता है, जो एक अल्फा न्यूमेरिक पार्ट होता है, अल्फा न्यूमेरिक पार्ट मतलब ये अल्फाबेटिकल पार्ट, जहाँ से अल्फाबेटिकल कीज शुरू होती हैं। समझ रहे हैं आप लोग बात? जहाँ से अल्फाबेटिकल कीज शुरू होती हैं एक कीबोर्ड की, उसके बेसिस पे हम कीबोर्ड को कुछ टाइप्स में डिवाइड करते हैं। जैसे हमारे नेशन में कौन सा कीबोर्ड यूज़ किया जाता है? क्वर्टी। आप लोगों का जो मोबाइल फ़ोन है, या आप लोगों का डेस्कटॉप है, आप लोगों का लैपटॉप है, उसके साथ जो आपको कीबोर्ड आता है, उसमें हमेशा क्वर्टी कीबोर्ड होता है। क्वर्टी से मतलब क्या है कहने का? जो ये वाला जो पार्ट होता है जहाँ पे अल्फ़ाबेट शुरू होते हैं, जो फर्स्ट रो होती है, यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स दिए होते हैं उनके नाम से, जैसे हम स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं वो होता है क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई, राइट, UIOP, तो इसी के बेसिस पे हम लोग इसे नाम देते हैं क्वर्टी कीबोर्ड। क्लियर हो गया? और बहुत सारी अदर कंट्रीज में बहुत सारे अदर कीबोर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे क्वर्ट्स, एजर्टी, डेवोराक, ये सारे कीबोर्ड्स भी यूज़ किए जाते हैं, लेकिन इंडिया में क्वर्टी यूज़ किया जाता है। अब ऐसा क्यों? अब देखिए, एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, हमारी कंट्री कौन सी इंग्लिश फॉलो करती है? देखो, इंग्लिश भी दो तरह की है, अमेरिकन इंग्लिश एंड ब्रिटिश इंग्लिश, ठीक है। अब हमारी कंट्री जो इंग्लिश फॉलो करती है, इंग्लिश लैंग्वेज फॉलो करती है, वो है ब्रिटिश इंग्लिश। ऐसा क्यों? क्योंकि अब हम लोग इंग्लिश क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए, अब हमारी कंट्री में ब्रिटिश इंग्लिश क्यों फॉलो की जाती है? क्योंकि ब्रिटिशर्स हम पर रूल करके गए हैं, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा, इसीलिए हमारी कंट्री में ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो होती है। तो जो भी कंट्रीज़ में ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो किया जाता है, वहाँ पर क्वर्टी कीबोर्ड का ही यूज़ होता है। समझ गए? जो भी कंट्रीज़ में ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो किया जाता है, वहाँ क्वर्टी कीबोर्ड का यूज़ किया जाता है। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाए एक हमारी नेशन का स्टैंडर्ड कीबोर्ड कौन सा है, तो वो है क्वर्टी कीबोर्ड। क्लियर हो गया? अगर हम लोग एप्पल यूजर्स की बात करें, मैक यूजर्स की बात करें, तो वहाँ पर एजर्टी कीबोर्ड का यूज़ होता है।
क्लियर हो गया। तो ये है कीबोर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देयर आर मेनी अदर पॉइंट्स रिलेटेड टू द कीज ऑफ द कीबोर्ड, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर भी मैं वही पॉइंट्स बताऊंगी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। हमने देख लिया कि 104 टोटल कीज होती हैं, स्टैंडर्ड वाइज पूछा जाए तो 101 होती हैं। अब जो कीबोर्ड के कीज हैं वो भी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। पहले जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट F1 से लेके, आप लोगों ने देखा होगा F12 तक की कीज होती हैं, F1 से लेके F12 तक, F1 F2 टॉप पे होती हैं। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि टॉप ऑफ द कीबोर्ड पे कौन सी कीज होती हैं, तो वो कौन सी होती हैं F1 से लेके F12। F का मतलब होता है फंक्शन कीज, ठीक है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि टोटल फंक्शन कीज कितनी होती हैं, तो टोटल फंक्शन कीज कितनी होती हैं, 12 होती हैं। फंक्शन डिफरेंट फंक्शन कीज के यूजेज पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल F2 का क्या फंक्शन है, F5 का क्या फंक्शन है, तो ये जब हम कीबोर्ड की कीज के शॉर्टकट्स एंड ऑल पढ़ेंगे या फिर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट पढ़ेंगे तब मैं आपको ये सारी चीज़ें भी पढ़ाऊँगी, ठीक है। उसके बाद आती है अल्फा न्यूमेरिक कीज। अल्फा न्यूमेरिक होता है इसका ये वाला पार्ट, जहाँ पर ऊपर होती हैं नंबर वाली कीज 1, 2, 3, 4, और उसके नीचे होते हैं अल्फ़ाबेटिकल कीज। इन्हें हम लोग बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक कीज। अल्फा न्यूमेरिक इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स, क्लियर। उसके बाद आती है न्यूमेरिक कीज। न्यूमेरिक कीज यहाँ पर इस वाले कीबोर्ड पर तो नहीं दिख रही, बट अभी आप जो मॉडर्न कीबोर्ड आप लोगों के टाइम पे आता है, मे बी ये ओल्ड कीबोर्ड की पिक्चर है, जो मॉडर्न कीबोर्ड आप लोग अभी देखते हैं अपने लैपटॉप पे या फिर डेस्कटॉप पे, तो यहाँ साइड पर आप लोगों ने देखा होगा एक नंबर पैड होता है, न्यूमेरिक पैड जिसे हम लोग बोलते हैं, है ना, जहाँ पर हमारे पास इस तरह का होता है स्टार, दिस, यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर हमारे पास 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यहाँ ज़ीरो होता है, यहाँ डॉट होता है, इस तरीके से ये वाला पैड होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक पैड। तो वही होती है न्यूमेरिक कीज़। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन क्या आता है, न्यूमेरिक कीज़ एक कीबोर्ड में टोटल कितनी होती हैं, तो आप लोग अगर गिनकर भी देखो ये साइड वाली, तो ये सब मिलके कितनी बनती हैं, टोटल 17 कीज़। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिक कीज़ टोटल कितनी होती हैं, 17 होती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आती है टॉगल कीज़। टॉगल कीज़ कौन कौन सी होती है, कैप्स लॉक, नम लॉक एंड स्क्रोल लॉक। नम लॉक तो हमारे पास यही न्यूमेरिक पैड में ही होता है, यहाँ पर हमारे पास होता है कैप्स लॉक। अब ये कीज़ होती है टॉगल कीज़। इन्हें टॉगल कीज़ क्यों बोला जाता है, ये सब चीज़ें क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टॉगल की, तब क्या आंसर करोगे, पता नहीं होगा। तो कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रोल लॉक होता है टॉगल की। इसे टॉगल की क्यों बोला जाता है, टॉगल का मतलब क्या होता है, स्विच करना, अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे स्विच करना, ठीक है। तो जब कैप्स लॉक प्रेस करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है ए, अब आपने कैप्स लॉक प्रेस करके ए किया, तो उसने क्या किया, अपना स्मॉल से कैपिटल में स्विच कर लिया, किया। जब आप फॉर एग्जांपल अभी मैं लिख रही हूँ 1, 2, 3, 4 न्यूमेरिक पैड यूज़ करते हो, मैंने नम लॉक प्रेस कर दिया, तो यू विल नॉट बी एबल टू एंटर एनी न्यूमेरिक वैल्यू फ्रॉम द न्यूमेरिक पैड। वो कोई भी वैल्यू नहीं लेगा, इनपुट नहीं लेगा, क्यों, क्योंकि आपने नम लॉक ऑफ कर दिया। आप लोग करते ना कैप्स लॉक ऑन ऑफ, स्क्रोल ऑन ऑफ, स्क्रोल का मतलब स्क्रीन पे स्क्रोल नहीं कर पाना, समझ गए। तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं टॉगल कीज़, जो अपनी स्टेट स्विच कर देती हैं ऑन एंड ऑफ। उसके बाद मॉडिफायर एंड कॉम्बिनेशन कीज़ मैंने आपको बता दिया, शिफ्ट कंट्रोल एंड ऑल्ट, जो कॉम्बिनेशन में प्रेस करते हैं। उसके बाद आती है कंट्रोल कीज़। कंट्रोल कीज़ होती हैं जो आपकी स्क्रीन को कंट्रोल करने में काम आती है, फॉर एग्जांपल होम की, एंड की, पेज अप पेज डाउन, जो आपके पास होते हैं ना इस तरीके से कीज़, कर्सर, पेज अप पेज डाउन, होम, एंड, इन कीज़ को हम लोग बोलते हैं कंट्रोल कीज़। देन वी हैव स्पेशल पर्पज़ कीज़। स्पेशल पर्पज़ कीज़ होती हैं जो बाकी सारी कीज़ का कॉम्बिनेशन, जो आपकी नॉर्मल इनपुट नंबर एंटर करने के अलावा या अल्फाबेट्स एंटर करने के अलावा नॉर्मल अदर इनपुट्स का, स्पेशल इनपुट्स का काम करती हैं। फॉर एग्जांपल कोई प्रोग्राम लॉन्च करना, कोई फाइल को ओपन करना, फॉर एग्जांपल आप किसी फाइल पे क्लिक करके रखते हो और उस पर एंटर प्रेस करते हो, तो वो क्या होता है, वो फाइल ओपन हो जाती है, है ना। ऐसा ही होता है, आप लोग कोई वीडियो प्ले कर रहे हो तो आप लोग ऑल्ट को यूज़ करके, जैसे आप लोग कोई मीडिया प्लेयर होता है, ऑल्ट को यूज़ करके आप लोग आगे आगे जा सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं ये वाली कीज़ को यूज़ करके। तो ये क्या हो गया, एक स्पेशल टास्क भी कर रही है। तो जो कीज़ इस तरह के टास्क करती हैं आप लोग यूज़ करते ही हैं, आप लोग लैपटॉप, पीसीज, मोबाइल्स यूज़ करते ही हैं, तो यू नो
इस तरह की कीज़ को हम लोग स्पेशल पर्पज़ की कहते हैं। इन पे क्वेश्चन कैसा आ सकता है, आपको कीज़ का नाम दिया होगा और पूछा होगा ये कौन सी कैटेगरी की है, तो आपको पता होगा तो आप लोग डेफिनेटली बता सकते हो। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, दिस इज़ ऑल अबाउट कीबोर्ड। अब नेक्स्ट इनपुट डिवाइस जो हमें पढ़ना है वो है माउस। हम लोग वही चीज़ें पढ़ेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। माउस क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस। पहले तो ये याद करो किस कैटेगरी में आता है, पॉइंटिंग डिवाइस की कैटेगरी में। हैंड हेल्ड मतलब हाथ में होल्ड करके हम इसको चला सकते हैं। किस लिए काम होता है? पॉइंटिंग डिवाइस है तो कर्सर को मूव करने में या फिर स्क्रीन को लोक स्क्रीन पे किसी भी ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए काम आता है। पता है आपको माउस का यूज़, यही इसका यूज़ है। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो इस तरह का होता है जिसमें एक लेफ्ट और राइट बटन होता है और बीच में होता है एक स्क्रोल। अब अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है ये जो व्हील होता है इसे क्या बोलते हैं, व्हील भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो व्हील होता है एट द सेंटर ऑफ अ माउस इसका क्या नाम है? तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रोल बटन। इसे हम क्या कहते हैं, इस व्हील को स्क्रोल कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो अच्छे से समझ लो। लेकिन हम लोग मॉडर्न लैपटॉप्स की बात करें तो उनमें माउस नहीं आता। वैसे आप माउस कनेक्ट कर सकते हो डेफिनेटली, बट उनमें टच पैड होता है जो माउस का काम ही करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, किसने इन्वेंट किया है? डगलस एंजेलबर्ट ने इन्वेंट किया है माउस इन 1964। माउस भी वायर्ड हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। क्लियर, अब पूछा जाता है मेजर फाइव एक्शंस। आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा माउस का एक्शन नहीं है, माउस की माउस का काम नहीं है, तो आप लोगों को पता होगा तो आप लोग डेफिनेटली बता सकते हो। पहला इसका टास्क क्या हो गया, पॉइंट करना, मतलब चीज़ों को स्क्रीन पर लोकेट करने का काम। दूसरा हो गया क्लिक करना, आपने जो भी लोकेट किया आप उस पर क्लिक करेंगे ओपन करने के लिए या क्लोज करने के लिए, कुछ भी उसको यूज करने के लिए उस ऑब्जेक्ट को आप लोग माउस क्लिक करते हैं। तो सेकंड यूज हो गया क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग। माउस के डबल क्लिक ऑपरेशन से क्या होता है, वो प्रोग्राम या डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। आपको पता ही, आप लोगों ने किसी भी प्रोग्राम को लोकेट किया माउस पे डबल क्लिक करेंगे उसका राइट बटन वो ओपन हो जाएगा, है ना। उसके बाद लेफ्ट बटन करेंगे तो वो ओपन होगा, अगर राइट क्लिक करेंगे तो। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक कर दो तो यू विल फाइंड अ लिस्ट, आपको लिस्ट मिलती है बहुत सारी, है ना। ओपन करना है, ओपन विद करना है, सेव, सेव एज, रीनेम, प्रॉपर्टीज, ऐसे सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो वो आपको एक क्या दे देती है, एक लिस्ट दे देती है कमांड्स जो आप परफॉर्म कर सकते हैं। देन है ड्रैगिंग। ड्रैगिंग का मतलब है अगर आप होल्ड करके रखते हैं माउस से कोई भी ऑब्जेक्ट, आप उसको एक जगह से दूसरी जगह ड्रैग कर सकते हैं। ये सारे ऑपरेशंस आप लोग अपनी लाइफ में परफॉर्म करते ही है, देर इज नथिंग न्यू। मैं इसीलिए बता रही हूं क्योंकि आपको पूछा जा सकता है डबल क्लिकिंग का क्या मतलब होता है, राइट क्लिक का क्या मतलब होता है, ड्रैग का क्या मतलब होता है, और ड्रॉप, यहां पे ड्रॉप भी आ जाता है, ड्रैग एंड ड्रॉप, एक जगह से उठाकर मूव करना दूसरी जगह पे, ड्रॉप करना, उसको हम ड्रॉप बोलते हैं। तो दीज आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ अ माउस। क्लियर टू एवरीबॉडी? अभी आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमें पढ़ना है टच पैड। यू ऑल नो व्हाट टच पैड इज़। जब आप अपनी लैपटॉप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर माउस हमारे पास नहीं आता, हर बार हमें माउस नहीं मिलता। लैपटॉप एक इनबिल्ट माउस होता है जिसे हम बोलते हैं टच पैड, कुछ इस तरह का, जिसमें भी हमारे पास लेफ्ट एंड राइट बटन्स होते हैं जो बिल्कुल वही काम करते हैं जो माउस के लेफ्ट राइट बटन्स करते हैं। एंड जो पॉइंटिंग के लिए या फिर ड्रैग ड्रॉप करने के लिए भी हमारे पास ये टच पैड का यूज़ भी हम लोग कर सकते हैं, जिसे हम टच पैड बोलते हैं। ठीक है, टच पैड को एक और नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है, इसे हम लोग ट्रैक पैड भी कहते हैं। क्लियर हो गया, इसके बारे में इतना ही रखना है हमें, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज लाइट पेन। अब अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये पेन की बात करूं तो ये एक लाइट पेन नहीं है। अब लाइट पेन क्या होता है, जो लाइट सेंसिटिव होता है। ठीक है, इसका यूज़ क्या होता है, स्क्रीन पे लिखने के लिए, स्क्रीन पे डिज़ाइन बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल आई एम एबल टू राइट ऑन दिस स्क्रीन, राइट, स्क्रीन पे ड्रॉ करने के लिए, डिज़ाइनिंग करने के लिए यूज़ कौन करते थे, इंजीनियर्स, ग्राफिक डिज़ाइनर्स, इलस्ट्रेटर्स, जिनको डिज़ाइनिंग पर्पज़ का काम करना होता था, किसी भी ऑब्जेक्ट का डिज़ाइन बनाना होता था, वही इसे यूज़ करते थे लाइट पेन को। क्या काम होता था, स्क्रीन पे लाइट करने के लिए, कंप्यूटर की स्क्रीन पे लिखने के लिए ये काम आते हैं लाइट पेन्स। ठीक है, ये लाइट सेंसिटिव होते हैं, जिन पे जिनके टिप पर क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो एमिट करता है लाइट, और स्क्रीन लाइट उस लाइट को सेंस करके उसके साथ हम कह सकते हैं काइंड ऑफ कम्युनिकेशन करते हैं। यू विल बी एबल टू राइट और वर्क ऑन द स्क्रीन, इतना आपको याद रखना है। तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ लाइट पेन। ठीक है, ये एक लाइट सेंसिटिव स्टाइलस, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका।
वैसे अभी मैं आपको बताऊंगी स्टाइलस क्या होता है. स्टाइलस इज लाइक दिस, जैसे मैं एक पेन जिसको हम डिजिटल पेन भी बोलते हैं, जिससे आप स्क्रीन पर लिख सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो. तो अगर आपको पूछा जाए कि लाइट सेंसिटिव पेन स्टाइलस क्या है, लाइट सेंसिटिव स्टाइलस, तो वो क्या है, वो एक लाइट पेन है. क्लियर, दिस इज द मेजर डिफरेंस. आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट इनपुट डिवाइस पे. ये जो भी हम डिवाइसेस पढ़ रहे हैं ना, ये सारे के सारे पॉइंटिंग डिवाइसेस की कैटेगरी में आते हैं. नेक्स्ट इज जॉयस्टिक. अब जब जॉयस्टिक आपको पढ़ा होगा अभी तक, तो आपको एक ही यूज़ पता होगा कि गेमिंग के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ होता है इनमें से, तो वो हो गया जॉयस्टिक. यही आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन देर आर मेनी पॉइंट जिनके बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं और आपको पूछा जा सकता है. देर आर मेनी अदर यूजेज ऑफ अ जॉयस्टिक. ठीक है, अब जॉयस्टिक कुछ दिखता है इस तरीके से. ठीक है, जो बिल्कुल एक माउस की तरह ही, एक पॉइंटिंग डिवाइस की तरह ही काम करता है. एक बेसिक आपकी रियल लाइफ एग्जांपल दूँ तो, आप अपनी गाड़ी चलाते हो, गाड़ी का जो गियर होता है, गियर कंट्रोल होता है, जिसको आप फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट राइट मूव कर सकते हो टू कंट्रोल योर व्हीकल, तो बिल्कुल वैसे ही काम करती है एक जॉयस्टिक भी, बिल्कुल वैसी होती है. ठीक है, उसी तरीके से काम करती है जो फ्री होती है, जो फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट राइट मूव कर सकती है, और उसी तरीके से आप इससे स्क्रीन पे चीज़ों को लोकेट करने का काम करते हैं. तो ये होता है क्या, जॉयस्टिक, जो बिल्कुल एक माउस की तरह काम करती है. स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है. अब अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है ये, यहाँ देखिए. The first joystick was invented by C.B. Mirick at U.S. Naval Research Laboratory. किसने invent किया है, C.B. Mirick, इनका नाम आपको अभी note कर लेना है. Second important point, joystick को हम लोग और क्या कहते हैं, control column भी कहते हैं. ये question पूछा जा सकता है, joystick को और किस नाम से जाना जाता है, तो वो नाम क्या है, control column. ये point भी आपको note कर लेना है. It is the principal control device in the cockpit of many civilian military aircrafts. जैसे गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए मैंने गियर सिस्टम बताया ना, वैसे ही जॉयस्टिक्स जो हैं वो और बहुत सारे फील्ड में यूज़ होती है. अगर हम गेमिंग की बात ना करें तो, जैसे कॉकपिट तो आपको पता है, तो मिलिट्री और सिविलियन एयरक्राफ्ट्स में उन्हें कंट्रोल करने के लिए भी जॉयस्टिक्स का ही इस्तेमाल होता है. स्पेशली डिज़ाइन जॉयस्टिक्स इनका इस्तेमाल किया जाता है. एक सेंटर स्टिक या साइड स्टिक की तरह इनका यूज़ किया जाता है टू कंट्रोल द डिवाइस. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. ये तो हमें पता ही है, यूज़ टू कंट्रोल वीडियो गेम्स. यहाँ तक तो हमें पता ही है, वीडियो गेम्स में हम इसका यूज़ करते हैं, ये सबको पता है. देर आर मेनी अदर यूजेस. जॉयस्टिक्स इज़ यूज्ड इन मॉडर्न वीडियो गेम कंसोल्स. इन द एनालॉग स्टिक आर आल्सो यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग मशीन सच एज क्रेन्स, ट्रक्स, अंडर वाटर मैन्ड व्हीकल्स. जैसे मैंने आपको बताया, गाड़ी को कंट्रोल करने का गियर सिस्टम, तो बड़े बड़े क्रेन्स हो गए, अंडर वाटर व्हीकल्स हो गए, ट्रक्स हो गए, उसमें भी एज कंट्रोल सिस्टम जॉयस्टिक्स का यूज़ किया जाता है. क्लियर हो गया यहाँ पर आपको, बहुत सारे व्हीकल्स में टू कंट्रोल द व्हीकल, व्हीकल की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए जो डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं वो जॉयस्टिक्स होते हैं. क्लियर हो गया, तो देर आर मेनी अदर यूजेस. ये यूजेस सब पढ़ लेना, ज़रूरी नहीं है सिर्फ गेमिंग के बेसिस पे ही क्वेश्चन आए, और क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट जॉयस्टिक्स. मैं डायरेक्टली बता रही हूँ किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं. अब आगे बढ़ेंगे, लास्ट टू जो आज हमें पढ़ने हैं वो है स्टाइलस एंड ग्राफिक टैबलेट. इसके बाद हमारे और भी डिवाइसेस आते हैं लाइक स्कैनिंग डिवाइसेस, मेनी अदर इनपुट डिवाइसेस, वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. लास्ट टू हम लोग पढ़ लेते हैं स्टाइलस. ये है स्टाइलस, समझ गए, जिससे मैं स्क्रीन पर इजीली लिख पा रही हूँ, ड्रॉ कर पा रही हूँ. देर आर मेनी स्पेशली डिज़ाइन स्टाइलस जो स्क्रीन पे ग्राफिक्स डिज़ाइन करने में, ड्राइंग करने के लिए काम आते हैं. जैसे अक्सर हम लोग वॉलपेपर्स देखते हैं, एनिमेटेड वॉलपेपर्स हम लोगों को मिलते हैं, तो वो भी स्पेशली डिज़ाइन होते हैं जो स्टाइलस की पेन से, जिसे हम लोग डिजिटल पेन कहते हैं. इसे और हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटल पेन कहते हैं. ठीक है, जो आपको हेल्प करता है कि आप एक स्क्रीन पर ईजिली लिख पाएँ. क्लियर, सो वही होता है स्टाइलस, जो किसके लिए, ड्राइंग्स के लिए, स्केचेस के लिए, स्क्रीन पर लिखने के लिए यूज़ होता है. ये है, कई सारी शेप साइजेस में आता है, तो घबराने वाली बात नहीं है. नेक्स्ट आता है ग्राफिक टैबलेट. ये होता है ग्राफिक टैबलेट, दिस इज़ वॉट वी कॉल अ ग्राफिक टैबलेट. अब ग्राफिक टैबलेट क्या होता है, बिल्कुल टैबलेट की तरह होता है. आपने टैबलेट देखा है कैसा होता है, जैसे आपका मोबाइल होता है टैबलेट होता है, लेकिन वो किस लिए काम आता है, उस पर आप लिख सकते हैं, जो भी आप उस पर लिखेंगे वो आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा.
समझ गए आप लोग बात। तो ग्राफिक टैबलेट का भी क्या काम होता है, एक स्पेशली डिज़ाइंड पेन आता है ग्राफिक टैबलेट्स के साथ भी, जिसे हम ये होता है, जिसे हम स्टाइलस ही कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो डिजिटल पेन, यही आता है इसके साथ, और जिससे हम स्क्रीन पर लिख सकते हैं। अब हम यहाँ तो मैं क्या कर रही हूँ, स्क्रीन पर लिख रही हूँ, लेकिन ग्राफिक टैबलेट से क्या होता है, आप उसको अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, स्क्रीन से कनेक्ट कर सकते हैं, आप उस पर लिखेंगे और वो डिस्प्ले होगा आपको स्क्रीन पर। दिस इज़ द डिफरेंस, ठीक है, जिसकी वजह से आप काफ़ी सारे टास्क कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में यूज़ होता है, बहुत सारे डिज़ाइनर्स इसे यूज़ करते हैं डिफरेंट डिज़ाइनिंग पर्पज़ के लिए। क्लियर हो गया, इट कम्स विद अ स्पेशल पेन जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टाइलस कहते हैं। अब ग्राफिक टैबलेट्स के और बहुत सारे नाम हैं, इसे हम डिजिटाइजर भी कहते हैं, इसे हम लोग डिजिटल टैबलेट भी कहते हैं, और इसे हम लोग ग्राफिक टैबलेट भी कहते हैं। क्लियर हो गया, सो ये है व्हाट ग्राफिक टैबलेट, ठीक है। इसके बेसिस पे यही क्वेश्चन आएगा कि इसे और किस नाम से जाना जाता है, यही मेजर क्वेश्चन बनता है, और कुछ खास क्वेश्चन इसके बेसिस पे एग्जाम में नहीं आते। आज के लिए जो हमारे इनपुट डिवाइसेज हैं वो इतने ही, कोई भी डाउट होगा इनसे रिलेटेड, आपको कोई इनका रियल लाइफ यूजेज नहीं समझ आ रहा होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। आई ट्राई कि अगर आपका क्वेश्चन जेन्युइन है तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को करवा दूँ, ठीक है। सो इतना ही आज के लेक्चर में, और कल भी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि अलग से MCQs नहीं करवाए, वो इसीलिए नहीं क्योंकि मैंने लेक्चर के साथ ही बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए थे, एंड आज भी जितने भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं, जितने भी हमने इनपुट डिवाइसेस पढ़े हैं, उनके मैंने आपको डायरेक्टली बताया कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो वही हैं आपके वन लाइनर्स आज के, उन्हीं में से क्वेश्चंस निकलेंगे, ठीक है। सो इतना ही आज के लेक्चर में, कोई डाउट होगा तो कॉमेंट में ज़रूर पूछ लेगा। टेक केयर।